भैया एक दिन तक तुम इतना नाच ले आज का दिन, नंद बाबा को पकड़ करके ले आए। बोले कहां? एकदम बीच में नंद आकर ले आए। नंद बाबा राजा आकर बहुत बड़ी, इतने दूध दही लाए, इतना दूध दही से भरा पड़ा हुआ। और नंद बाबा देखने में कैसे एकदम लंबे चौड़े गौरव भर लगे हैं। उनको जब बीच में खड़े रहते कमर में एक फटा बांध कर रखे थे, एक तरफ में नंद गांव के गो, दूसरे तरफ में घरसाना के गो, दोनों तरफ में पकड़े हुए। ऐसे लग रहा था मानो अभी समुद्र मंथन होने जा रहा है। और यहाँ सबसे पहले कौन निकले? बोले स्वयं आनंद कंद कृष्ण सबसे पहले प्रकट हुए। जैसे कल समुद्र मंथन से 14 रत्न निकला, लेकिन यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते परिधि जब कृष्ण जन्म के नंद बाबा इतने हीरे जवाहरात को उन्होंने लुटाया, ब्राह्मण लोग तो गठली बांध बांध कर ले निकाल रहे थे, गठली भी कोने से हीरे जवाहरात गिरते 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 जा रहा था, पूरा ब्रज में हीरे जवाहरात बिखर रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कृष्ण जन्म होने पर माँ लक्ष्मी आनंद कुमारे गली गलियों में नाच रहे हैं, इतने हीरे जवाहरात दिया। और इतने दिया उन्होंने स्वयं कुबेर घर कुबेर आया था, उन्होंने देख करके लज्जित हो गए, सर नीचा करके भाग गए कहां से। बोले भगवान मेरे को क्यों घर कुबेर बनाया? सारे रुपया पैसा की ट्रेजर जिसको पास में। बोले भैया मेरे पास में भी इतने धन दौलत नहीं, आज ये नंद बाबा को पास में इतने। बोले भैया कहां से आया है? कहां से आया? आप लोग रामायण सुने होंगे, जब राम बराती आई, राम बराती आई, बरात जब प्रवेश कर रहा था अयोध्या में, देखा अयोध्या की बाहर जो छोटे जाति के लोग थे वो लोटे में पानी लेकर शौच क्रिया में जाते थे। जो लोटे था ना सोने के लोटे, जो ब्रश था ब्रश था सब सोने की। जब उन्होंने प्रवेश किया उनको जो भोजन दे रहे थे हाथी घोड़ा को, काजू किशमिश बादाम हाथी घोड़ा को खिला रहे थे, और जिस प्लेट में खिला रहे थे वो सोने की प्लेट कटोरी। और जैसे एक बार हम प्लेट खा करके प्लास्टिक का फेंक देते डस्टबिन में, वो एक बार खाओ सोने और कटोरी थाली को ग्लास को डस्टबिन से फेंक दोगे। इसको देख देख करके अयोध्या वासी तरस रहे थे, भगवान क्या संपत्ति श्री जनक महाराज जी, सोने की कटोरी सोने की ग्लास सोने की थाली फेंक दो। सोच रहे तो वह कुछ उठा करके ले जाए, कुछ उठा करके ले जाए। खरे सोच रहे हैं नहीं, हम तो रामचंद्र की बराती है, फिर तो हमारी बदला क्यों हुई? तो यहाँ पर बोले फिर इतना पैसा कहाँ से आई है? और वहां पर माँ लक्ष्मी श्री सीता देवी वहां पर, इसलिए मैया सीता लक्ष्मी है। उन्होंने आदेश दिया राम बराती को ऐसे स्वागत की जाए जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक याद करेंगे भगवान की बरात ने जनक महाराज कैसे स्वागत किए। उसी तरह जब यहाँ पर कृष्ण आए वहां पर माँ लक्ष्मी स्वयं राधा रानी, माँ लक्ष्मी स्वयं राधा रानी प्रकट हो गई, रिद्धि सिद्धियों का आदेश दिए। मेरी प्रियतम कृष्ण की जन्म उत्सव इतने धाम दुनिया हो, जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक याद करते रहे नंद बाबा मेरे कन्या की जन्म उत्सव में कितने उन्होंने दान दिए। वहां पर भोले बाबा भी आए थे, नंद बाबा तो ना लाख गैया उन्होंने दान दी। आप बताओ तो भोले बाबा का वाहन कौन है? नंदी। नंदी। उनका वाहन नंदी, वो भी गैया का रूप है। उन्होंने 20 लाख गैया दान की। अब सोच सकते 20 लाख गैया कितना होता है, लेकिन उन्होंने 20 लाख गैया दान दे रहे थे, इतने में शंकर चक्कर में पड़े थे। बोले क्यों? बोले इतने गैया, इतने गैया दान दे रहे हैं, हो ना हो भूल से मेरे बैल को नंदी को भी दान नहीं देते, फिर मैं चढ़कर भी कैसे जाऊंगा, मेरा वाहन चले गया था। इसलिए उन्हें नंदी की पूछ को पकड़ लिए शंकर जी, भैया मेरे नंदी दान में नहीं चले जाए। वहां पर मैया पार्वती भी आई थी, पार्वती की भी दो बेटे हैं, बताओ तो कौन कौन दो बेटे? कार्तिक और गणेश। बोले मैया पार्वती भी डर गई। बोले क्यों? बोले हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। उन्होंने हाथी घोड़े इतने दिए, बोले भैया इतने हाथी घोड़े दे रहे हैं, मेरे बेटा तो गजानन है गणेश जी, सर भी हाथी हाथी, ऐसे नहीं हाथी को देते देते मेरे बेटे को तो हाथी मान कर दान भी नहीं दे देंगे। मैया तो गोद में ले गए चुपका कर खड़ी हुई, मेरे लाला नहीं चली जाए। ऐसे वहां पर दान दक्षिणा दिया, वहां पर
नंदी बंदी और माधव तीन व्यक्ति है। तो नंदी बंदी माधव मतलब किया, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि उनको पूर्वजों का महिमा गाते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं उनकी उपस्थित विषय वस्तु पर दान करते हैं। वहां पर नंदी बंदी और सबके सब आए। नंद बाबा जो जितने मांग रहे थे ना नंद बाबा उससे डबल डबल दे रहे थे, इतने दान को कभी इनके मांगने का इच्छा नहीं आई। और लास्ट में ऐसे हो गया अभी कोई लेने वाले नहीं रहे, देने के लिए सब तैयार। कृष्ण के जन्म उत्सव में लेने के लिए कोई सब देने के लिए तैयार है। ऐसे वहां पर उत्सव हो रहा था और सारा दुनिया गा रहे थे नंद के हाथ में गए हो कन्हैया लाल की, लेकिन सबके सब तक नाच रहे थे गा रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति बड़ी दुखी होकर बैठी हुई थी। बोले कौन? बोले रोहिणी। कहा कि भैया बोले रोहिणी क्यों? इसलिए कारण है वो केवल दुखी होकर गुमसुम बैठी हुई थी। कारण है वो थी प्रसिद्ध भत्रिका। बोले भैया प्रसिद्ध भत्रिका का मतलब क्या? बोले जिसकी पति दूर देश में और दुख में हो। अगर तुम्हारी पति दूर देश में और जेल में हो पत्नी कभी संतोष आनंद नाचेगी? कभी नाच नहीं सकती है। श्री वसुदेव महाराज मथुरा में और कच्छ कारागार का व्रत करके रखा, इसलिए रोहिणी बड़ी दुखी होकर के बैठी हुई। इतने में नंद बाबा ने देखा घर के सारे सदस्य नाच रहे हैं, केवल रोहिणी नहीं। इतने में नंद बाबा बोले रोहिणी घर में तुम दो स्त्री है, एक जसोदा और एक रोहिणी। अभी जसोदा ने तो बच्चा जन्म दिया, अभी इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनको देखभाल कौन करेगा? तुम तो करोगे ना। हाँ मेरे को पता है तुम प्रसिद्ध भत्रिका, तेरे पति जेल में, लेकिन कम से कम तुम लाला को आशीर्वाद दे सकती हो। लेकिन 15 दिन पहले बलदेव प्रभु जन्म हुए। बलदेव प्रभु जब से जन्म हुए तब से आंख बंद कर रहे। बोले क्यों? बोले सर्वप्रथम जब मैं आंख खोलूंगा पहले मैं कृष्ण को देख करके दुनिया को देखूंगा। इतने में मैया रोहिणी को लेकर के आए, बोले लाला को आशीर्वाद लेकर के आओ। और जिस पलंग के ऊपर में कृष्ण लेकर गए उन्होंने ताऊ भैया को पास में सुला दिया। तो 15 दिन की आगे पीछे कच्चे ही इतने में श्री ताऊ भैया कृष्ण ने क्या किया? अपना हाथ लेकर ताऊ भैया को बदल दिया। जब ताऊ भैया को ऊपर रखे बलदेव प्रभु समझ गए कन्हैया के हाथ है। इतने में श्री बलदेव प्रभु आग खोल दिए। जब आग खोल दिए रोहिणी तो थोड़ी दुखी थी, बच्चा जन्म से आग बंद करके रखा। लेकिन जब आग खोल करके कृष्ण को देखा है ना, मैया रोहिणी दुखी होने पर भी उसको रहा नहीं गया। फिर तो मैया रोहिणी वो भी ठूंक लगा कर वो भी नाचना शुरू कर दिए। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं रोहिणी जो महाभागा, वो कह रहे हैं जो रोहिणी है ना ये बड़ी भाग्यवती। बोले क्यों? कृष्ण तो मथुरा में प्रकट हुए लेकिन जन्म उत्सव कहाँ पर हो रही है? गोकुल में। इसलिए बोले ना नंद के आनंद भाई वो जय कन्हैया लाल के आनंद कहाँ बोले हो रहे गोकुल में। कृष्ण प्रकट हुए मथुरा में लेकिन मथुरा के लोग कोई कृष्ण जन्म उत्सव का आनंद कोई नहीं ले पाए। कौन ले पाए? केवल एक व्यक्ति रोहिणी। इसलिए यहाँ पर कह रहे रोहिणी जब महाभागा, जो रोहिणी मैया की बड़ी भाग्यवती है। अभी सब जैसे गा रहे नाच रहे, अभी प्रभु जी बधाई आए थे, अभी कृष्ण गोकुल में जन्म हुए हैं। फिर भगवान की जन्म उत्सव के जो नाचेगा ना, फिर उसको 84 लगे जन्म और नाचना नहीं पड़ेगा, नहीं तो किसी बच्चों के सामने नाचना नहीं पड़ेगा, सास के सामने, ननदों के सामने, पैसे के सामने, किसको सामने नाचना नहीं पड़ेगा। और जो कृष्ण का जन्म उत्सव में नहीं नाचेगा फिर तो सबके सामने नाचना पड़ेगा। 84 लगे जन्म दुनिया के सामने वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरुनंद के लाल की जय, जय श्री लाल। आज वरदी सी ब्रज नारी बनी, आज वरदी सी ब्रज नारी बनी, गुजिया से गीती और गुजिया से ग्वाला, पीना से प्यारे बने बनदेव रस की सिरोही रूप रसाला।
नंद महीपि बने तो खाली भारतवर्ष नहीं पंचांत देश में भी पता चलो कि नंद के घर लाला भयो तो वहां विदेश से भी लोग आए। आप लोग आंगन मंदिर देखा कि नहीं?